हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे जितने भी छोटी फैमिली है उन सभी को मेरी ओर से ढेर सारी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। और आज है कृष्ण जन्माष्टमी, तो मैं अपने पूरे फ्रेंड सर्कल के साथ, जो भी हम लोग लाइव में आते हैं, हमारे छोटे बड़े कैमरामैन और मेरा जो दो तीन मित्र है, उनके साथ आज मैं जाने वाला हूँ पटना का इस्कॉन टेम्पल। वैसे तो मैं इस्कॉन टेम्पल के साथ वीडियो बना चुका हूँ, ब्लॉग बना चुका हूँ, लेकिन आज है कृष्ण जन्माष्टमी, तो मतलब आज मौका है, दस्तूर है, तो मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड लोग के साथ इस्कॉन टेम्पल। कुछ बोल लो। शर्मा रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा, तो वहां जाके अभी क्या करेगा? जाएंगे पूजा पाठ नहीं, करेंगे। पूरा सुबह से आयरन उरन मारा है, देख रहे हैं, आयरन उरन मारा है। और यहाँ अभी तो बोल रहा है पूजा पाठ करेंगे, देखते हैं वहां जाके क्या करता है। तो नहीं चलिए पूजा मिलते हैं, पूजा भी करना है, उसके बाद फिर देखा जाएगा, उसके बाद आप देखा लोग जाएगा क्या बोला क्या बोलेगा। करता है। तो चलिए आज मैं उनका दीदार कराऊंगा, जो कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत, जिनकी हर प्रकार की लीला हुई है, रास लीला हुई है, महाभारत वाली युद्ध हुई है, उन्होंने दिखाया है कि कैसे अधर्म पे धर्म का विजय होता है, उन्होंने दिखाया है, सिखाया है हम लोगों को कि कब गलत होता है तो उस पर आवाज उठाना चाहिए। तो ऐसे भगवान के पास लेके जा रहा हूँ जहाँ से हर प्रकार की शिक्षा हम लोग को मिलती है। और वो भगवान जो स्वयं खुद को बताते थे कि मैं भगवान हूँ, लेकिन भी लोगों ने उनका, मतलब उस युग में, सोचिए कि द्वापर युग में, उनके बातों को नकार दे रहा था स्टार्टिंग में। जब भगवान ने अपना लीला दिखाना स्टार्ट किया, तब जाकर उन सभी ने स्वीकारा। तो समझिए कि कलयुग में भी तो कितना ही ज़्यादा दिन गिरा हुआ है। यहाँ तो भगवान आकर स्वयं बोलेंगे कि मैं भगवान हूँ तो लोग मानेगा नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब भक्ति में अब रहा नहीं। फिर भी ऐसा नहीं है कि नहीं रहा, सनातन धर्म से हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे तो भगवान के प्रति आस्था है हम लोगों की। तो चलिए आज कृष्ण जन्माष्टमी आपको दिखाते हैं मेरे ब्लॉग में, तो मिलते हैं आपको पटना के इस्कॉन टेम्पल में। तो अब हम लोग आ चुके हैं पटना जंक्शन पे, और यहाँ से अब हम लोग शॉर्टकट जाएंगे, सब मित्र लोग के साथ आ चुके हैं, पूरा हेलो, कैसे हो एक्साइटेड आप? है। तो चलिए अभी चलते हैं, लेकिन शॉर्टकट पटना के महावीर मंदिर के पास आ चुके हैं, अब यहाँ से हम लोग जाएंगे। देखिए यही है पटना का प्रसिद्ध महावीर मंदिर, यहाँ का ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा। अगर आप लोगों ने मेरा ब्लॉग नहीं देखा है यहाँ का, तो आप लोग प्लीज़ जाएं मेरे चैनल पे और जाकर देख सकते हैं। और ये पूरी भीड़ जो है वो इस्कॉन टेम्पल से वापस आ रही है। हम लोग इस्कॉन टेम्पल के जस्ट बाहर आ चुके हैं, पूरा ग्रुप हमारा जो है वो इस्कॉन टेम्पल के पास आ चुका है, और आप भीड़ देख सकते हैं, काफ़ी भीड़ है, अनएक्सपेक्टेड भाई, मतलब क्या ही बोल सकते हैं, इतना तो सोचा भी नहीं था हम लोग। देखो कितना भीड़ है, अंदर जा पाएंगे या नहीं ये अभी तो मुश्किल है, बहुत भीड़ है, बता नहीं सकते कितना भीड़ है और कितना देर लगेगा अभी अंदर जाने में, ये भी नहीं पता। बहुत ज्यादा भीड़ है, मतलब बता नहीं सकते। पीछे देखो, धकला नकली हो रहा है, सब पीछे धकला नकली कर रहा है। और यही वो पल है जहाँ पे थोड़ा सा भगदड़ जैसा माहौल बन गया था, जो अभी भी न्यूज में बहुत वायरल हो रहा है कि इस्कॉन टेम्पल के बाहर भगदड़ मच गया है सारे। देखिए पुलिस प्रशासन जो है उसको काबू करने में लगे हुए हैं, बस इतना ही कुछ गड़बड़ हुआ था, ज्यादा कुछ हुआ नहीं था, भगदड़ मचा नहीं था। बहुत बहुत मुश्किल से चेहरे चेहरे का हालत देख सकते हैं, मतलब हम लोग को पैर बढ़ाने नहीं पड़ा आपस, इतना भीड़ था, इतना भीड़ था कि लोग पहुंचा दिया अंदर, बहुत आसानी से आ गए। बहुत भीड़, बहुत भीड़ है। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। और फाइनली अब ऊपर का गेट खुल चुका है, ताकि अब हम लोग ऊपर जा पाए।
और यहाँ पे अलग ही माहौल बना हुआ है। हम लोग भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर लिए हैं, भजन भी कर लिए, अब वापस जा रहे हैं घर की ओर, प्रस्थान करेंगे, कुछ लोगों से जानने का कोशिश करेंगे आज के बारे में। जय भगवान। दस बज रहा है रात का, लेकिन अभी भी लोग आ रहे हैं क्योंकि जन्माष्टमी जो है 12 बजे स्टार्ट होगा। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़, प्रशासन को लगना पड़ रहा है। तो मैं भी चल दे रहा हूँ वापस, दिखाते हैं नीचे भी और भीड़ है। देखिए आए थे हम लोग, बोलना तो नहीं चाहिए कि मंदिर में चप्पल चोरी होता है, लेकिन आज चप्पल गायब हो गया, लेकिन हम लोग भी किसी और का चप्पल पहन हुई है। एक साइड से भक्तों का तांता बाहर निकल रहा है, दूसरी ओर इंतजार कर रहे हैं ताकि लोग निकले तो अंदर जाए।
तो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, हमने ज्यादातर कैप्चर करने का कोशिश किया लेकिन इतना भीड़ था बता नहीं सकते हैं, बहुत मुश्किल से हम लोग बाहर निकले हैं। और जो चप्पल वप्पल जूता होता पहन के आ रहा सबका बदला गया भाई। मेरे सारे फ्रेंड लोग का भी अभी दिखाते हैं आपको, बहुत भीड़ है। मिलिए यही लड़का लगता है जिसका चप्पल खो गया, इसका चप्पल पहन लीजिए। मेरा खुद का चप्पल मिल गया, मेरा बढ़िया किस्मत था, इसे का नहीं मिला। फिर हम बहुत अच्छा चप्पल था, पुराना लेना पड़ गया। किससे मांगिएगा चप्पल, कौन देगा? भगवान कृष्ण तो आके देंगे ना। क्या करे, खाली पैर तो जाए नहीं। किसी और का पहन लिया, ये भी पहन लिया ये लड़का। भाई मेरा चप्पल खो गया, बहुत महंगा था, इसे महंगा चप्पल मेरा था। हम लोग सबका चप्पल चेंज हो गया, दूसरा का उठाया। चलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। जन्माष्टमी महोत्सव की जय।